हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो आज हम करने वाले हैं बैरोमीटर एंड यूट्यूब प्रॉब्लम्स। यूट्यूब, ओह, ये जो यूट्यूब है ये वो यूट्यूब नहीं है जिसने हमें और आपको कनेक्ट करके रखा है। ये यूट्यूब प्रॉब्लम है। दैट मीन्स आपको कुछ इस तरह का ट्यूब मिलेगा, यू शेप में, यू शेप ट्यूब है, इस तरह कुछ शेप होगा। इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिया जाएगा, हाइट वगैरह कैलकुलेट करना होगा, तो ये सब आज हम करने वाले हैं। तो हमारा लेक्चर का जो ओवरव्यू है वो कुछ फ्लो इस तरह से होगा कि हम सबसे पहले तो देखने वाले हैं कि बैरोमीटर होता क्या है, और उसके बाद हम समझने वाले हैं कि ये जो प्रेशर जो हम मेज़र करते हैं यूजिंग मर्करी बैरोमीटर, ठीक है, ये कैसे किस तरह से किया जाता है, एक्चुअली में वो मेज़रमेंट किस तरह से होता है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस बैरोमीटर पे, जहां पे जिस क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यूट्यूब प्रॉब्लम से सिर्फ एक क्वेश्चन हम करेंगे जो जनरली फ्लूइड एट रेस्ट पे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बैरोमीटर एंड यूट्यूब प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रेशर समझना है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि बैरोमीटर आपको आसानी के साथ समझ आ जाए, और मैं अपने लैंग्वेज को, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा ईजी और सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। तो कोशिश करना कि आपको भी समझ आएगी। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में जहाँ पर हमने डिस्कस किया था थ्रस्ट एंड प्रेशर, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उस लेक्चर को कंप्लीट कर लो। वहां पे हमने बहुत सारे भर भर के यूनिट्स पढ़े हैं, बहुत सारा यूनिट्स मैंने आपको लिखाया था, ठीक है। तो वो जो यूनिट्स था, 1 ATM क्या होता है, 1 bar क्या होता है, और 76 cm of HG या 7760 mm of HG क्या होता है, वो आपको यहां पे बहुत ही ज्यादा समझ आने वाला है। तो इसीलिए लेक्चर नंबर 2, मतलब ये लेक्चर देखने से पहले फ्लोटेशन का लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 देख लो, उसके बाद यहां पे आना, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बैरोमीटर बेसिकली क्या है उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, बैरोमीटर जो है ना, ये एक डिवाइस है। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे, बाकी जो भी आपके आप जिस कॉपी में नोट बना रहे हो उस कॉपी में अपने से नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, और टाइम टू टाइम उसे रिवाइज ज़रूर करना, और क्वेश्चंस के साथ। तो बैरोमीटर क्या है ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बैरोमीटर है ये एक डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस। क्या करता है ये डिवाइस? इट मेजर्स प्रेशर, इट मेजर्स प्रेशर्स। अब देखो क्या है ना कि ये बैरोमीटर जो है ये बहुत अलग अलग तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के बैरोमीटर्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के बैरोमीटर्स होते हैं। हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बैरोमीटर, ये हम मर्करी बैरोमीटर पढ़ने वाले हैं, जो जनरली एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक स्टैंडर्ड बैरोमीटर, एक स्टैंडर्ड डिवाइस है ये, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेज़र कर सकता है, ठीक है। तो ये जो बैरोमीटर है इसे डिज़ाइन किया था, मर्करी बैरोमीटर जनरली हम बात कर रहे हैं, तो इसे डिज़ाइन किया था टॉर्सिली बैरोमीटर भी कहा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि जो मर्करी बैरोमीटर है ये किसने डिज़ाइन किया है, तो नाम याद रखेंगे, टॉर्सिली ने डिज़ाइन किया है मर्करी बैरोमीटर। मर्करी का सिंबल होगा HG, मर्करी बैरोमीटर। आइए इसका देख लेते हैं क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है, किस तरह से ये काम वगैरह करता है। तो सबसे पहले तो एक बड़ा सा कंटेनर ले लेंगे हम, ठीक है, टब जितना बड़ा, इस साइज़ का हम एक कंटेनर ले लेंगे, और इस कंटेनर में हम भर देंगे मर्करी, ठीक है। हम इस कंटेनर को मर्करी से कम्प्लीटली भर देंगे इस तरह से, और फिर हम इसके बाद एक ग्लास ट्यूब लेंगे, एक स्टैंडर्ड हाइट का या एक रिक्वायर्ड हाइट का, जो रिक्वायर्ड हाइट होगा हमारा, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब ले लेंगे। ये एक ट्यूब है ग्लास का बना हुआ, दिस इज अ ग्लास ट्यूब। अब इसका हाइट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब हम देखेंगे कि किस हाइट का ग्लास ट्यूब लेना ज़्यादा बेटर है। ये ग्लास का ट्यूब बना है, अब करना क्या है, देखो ये ट्यूब है, इस ट्यूब को उठा करके इसके अंदर पूरा इंसर्ट कर दो, इसे इमर्ज कर दो अंदर में। इमर्ज करने से क्या होगा, जितना भी यहाँ पे मर्करी है ट्यूब के अंदर चला जाएगा, जब ट्यूब के अंदर सारा का सारा मर्करी चला जाएगा तो इस ट्यूब को निकालना होगा। इस ट्यूब को इस तरह से थंब से यहाँ पकड़ करके इस ट्यूब को बाहर निकालेंगे, ठीक है। थंब मत निकालना, हम कर ऐसा क्यों रहे, हम चाहते हैं यहाँ से ट्यूब में, इस ट्यूब के अंदर जितना भी एयर है, एयर पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स या जो भी एयर है यहाँ पे, वो सब निकल जाए। दैट मीन्स हम चाहते हैं एक वैक्यूम क्रिएट करना इस ट्यूब में। वैक्यूम क्रिएट कैसे होगा, सारा का सारा एयर बाहर कैसे निकलेगा, तो इस पूरे ट्यूब को पकड़ करके इस
कंटेनर के अंदर डालो, टब के अंदर डालो, टब के अंदर डालने से यहाँ पे सारा का सारा मरकरी इसके अंदर चला जाएगा। अब मरकरी जब अंदर चला गया तो हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को थंब से इस तरह से बंद कर देंगे और इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद मरकरी को सीधा, देखो ये रहा ट्यूब, इसको इस तरह से सीधा निकाल करके इस तरह परपेंडिकुलर इंसर्ट करेंगे। अंदर डालने के बाद थंब हटाएंगे। अब हम देखेंगे जब हम थंब हटाएंगे तो एक ऑब्जर्वेशन हमारा होगा यहाँ पे, देखना हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, समझना इस बात को। ये रहा ट्यूब हमारा, इंसर्ट कर दिया हमने इसको इन्वर्ट करके। तो जब तुम इसे इंसर्ट करोगे ना तो ये जो मरकरी इसके अंदर भरा हुआ था, ये मरकरी का लेवल ऊपर से नीचे गिरना शुरू होगा, ये मरकरी का लेवल यहाँ से ड्रॉप कर जाएगा, मतलब वापस से मरकरी कंटेनर में टब में वापस से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, वापस से फ्लो कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे जितना ये मरकरी फ्लो कर रहा है, जितना ये मरकरी नीचे गया, जब ये मरकरी नीचे गया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अब कुछ नहीं रहा, पहले तो एयर मॉलिक्यूल्स थे, एयर मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए हम इस ट्यूब को इन्वर्ट करके इसके अंदर डाल रहे थे। अब जब थंब इस तरह से थंब से बंद करके इसका ओपनिंग को हम निकाल रहे हैं और उसको इन्वर्ट करके फिर से अंदर डाल रहे हैं, तो जब जैसे डाला गया इसको अंदर तो देखा गया कि जो भी मरकरी था उसके अंदर वो सारा का सारा मरकरी वापस से फ्लो कर गया नीचे की तरफ, वापस से मरकरी फ्लो कर गया। अब फ्लो करने पर यहाँ पर तो वैक्यूम बन गया ना, यहाँ पे वैक्यूम बन गया, तो इस वैक्यूम का नाम है टॉर्सिलियन वैक्यूम, इसे हम कहते हैं वैक्यूम। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसे कहते हैं टॉर्सिलियन वैक्यूम। यह है टॉर्सिलियन वैक्यूम। अब देखो, अब ये तो हो गया वैक्यूम। अब हुआ क्या, हम जितना ये मरकरी का हाइट है, ये मरकरी इस ट्यूब में जिस हाइट में है उस हाइट को हम यहां से मेजर कर लेंगे। इस हाइट को हम नाम दे देंगे हाइट एच, इस नाम को दे देंगे हम हाइट एच। अच्छा, ये सब किया कहां जा रहा है, ये सब किया जा रहा है सी लेवल पे, मतलब जहां पे सी है उस लेवल पे जाकर के, या फिर जहां पे समुद्र है वहां पे जाकर के हम सी लेवल पे जाकर, सी लेवल मतलब समझ रहे हो ना, सी मतलब जहां पे समुद्र है, सी है वहां पे जाकर के हम इस यहां पे ये सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर सी लेवल पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, सॉरी, प्रेशर हम सी लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इस पूरे कंटेनर को सी लेवल पे ले जाओ जाकर के, ऐसा नहीं समुद्र के अंदर ले जाओ। ठीक है, सी लेवल मतलब सी है, आप बगल में ग्राउंड पे ही बैठ करके ये सब काम कर रहे हो, सी लेवल पे ही कर रहे हो, उसी लेवल पे कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप समुद्र के अंदर बैठ कर बोट में करो, वो जरूरी नहीं है, आप सी लेवल पे बगल में किनारे पे आकर के ये सब कर रहे हो। तो यहाँ पे ये सब जो हुआ, ये कुछ हाइट नीचे आ गया, मतलब ये कुछ हाइट हम देख लेंगे, मेजर कर लेंगे क्या हाइट है इस मरकरी का, इस ट्यूब में ये हाइट पूरा का पूरा मेजर होगा, इस ट्यूब का क्या हाइट है वो हम मेजर कर लेंगे। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, जरा इस बात को समझते हैं। देखो, जब ये मरकरी इसमें गया तो यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, बाहर से कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा इस कंटेनर में। इस प्रेशर को हम नाम दे देते हैं पी नॉट, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता करना है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना। देखो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ एग्जर्ट कर रहा होगा, उसी के कारण यहाँ पे जो भी मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे जो भी एक्शन हुआ है वो इस प्रेशर के कारण हुआ है। तो ये प्रेशर कितना है, हमारा टारगेट ये मेजर करना है। तो इसको मेजर करने के लिए टॉर्सिली ने इस एपरेटस को, इस अरेंजमेंट को, इस पूरे एपरेटस को यूज़ किया था। ठीक है, तो ये जो सेटअप है इनका, ये मरकरी से बना था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो गया मरकरी बैरोमीटर, जिसे टॉर्सिली ने डिज़ाइन किया है। तो ये हम मेज़र करना चाहते हैं, हम हाइट वगैरह देख लेंगे, एक मेजरिंग स्केल यहाँ पे लगाकर हाइट वगैरह मेज़र कर लेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। अब देखो, हमें करना क्या है, जब हम ये देखते हैं तो अगर हम मेज़र करना चाहते हैं यहाँ पे प्रेशर, तो प्रेशर मेज़र करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लेवल है इस कंटेनर का, उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक ये पॉइंट मार्क कर लो फर्स्ट पॉइंट, और एक ये पॉइंट मार्क कर लो सेकंड पॉइंट। अब तुम बताओ, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है कि नहीं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो क्या प्रेशर एट वन विल बी इक्वल टू प्रेशर एट टू? बिल्कुल सही, जितना प्रेशर वन में है उतना ही प्रेशर टू में भी होगा, जितना प्रेशर इस पॉइंट पे है उतना सेम प्रेशर यहाँ पे होगा। अब प्रेशर कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे प्रेशर एट वन कितना होगा, प्रेशर एट वन इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर का उतना ही प्रेशर होगा। यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है प्रेशर पी नॉट, ये लग रहा है ना प्रेशर पी नॉट लग रहा है यहाँ पे। देखो, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था पी नॉट। अच्छा, प्रेशर एट टू कितना है, कितना है प्रेशर एट टू? प्रेशर एट टू वही होगा जो प्रेशर एट वन होगा, जितना प्रेशर वन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पे इस पॉइंट पे उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे, बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर होता है। ये लेक्चर नंबर वन थ्रस्ट एंड प्रेशर में मैंने आपको समझाया है, अगर लिक्विड सेम है, फ्लूइड सेम है, रेस्ट पर है, तो जो भी प्रेशर
हॉरिजेंटल में आप तीन चार पॉइंट जितना भी पॉइंट्स ले लो, सारे पॉइंट्स में हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर बराबर होता है, तो प्रेशर एट टू विल बी इक्वल टू प्रेशर एट वन, प्रेशर एट टू विल बी इक्वल टू प्रेशर एट वन। अच्छा एक और बात देखो, यहाँ पे जो प्रेशर एट टू है ये कितना होगा, प्रेशर एट टू ये कितना होगा, ये जो अंदर का पार्ट है ना ये वैक्यूम, वैक्यूम का प्रेशर कितना होगा, इसका प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम का प्रेशर होता है जीरो। प्रेशर इन अ वैक्यूम, देखो प्रेशर किसके कारण होता है, एयर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो वहाँ पे फोर्स लगाते हैं उसी के कारण प्रेशर बनता है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा जीरो। तो वैक्यूम का प्रेशर जीरो हो गया, तो हमें चाहिए इस पॉइंट का प्रेशर, कितना हाइट नीचे, एच हाइट नीचे चाहिए, इस पॉइंट का प्रेशर चाहिए हमें, क्लियर है। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको हम थोड़ा ये कर देते हैं, चलो ट्यूब यहाँ तक है, तो ये हो गया आपका हाइट यहाँ से यहाँ तक। हम चाहते हैं सेकेंड पॉइंट पे प्रेशर कितना है, तो मैंने आपको सिखाया है इस, सबसे पहले तो प्रेशर किसके किसके कारण होगा, इस कॉलम के कारण बन रहा होगा प्रेशर, इस कॉलम के कारण प्रेशर कितना होगा। अब ये मरकरी है, मरकरी का डेंसिटी यहाँ लिख लो साथ में, डेंसिटी ऑफ मरकरी एच जी इज 13600 kg पर मीटर क्यूब, देख रहे हो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दिस इज द डेंसेस्ट लिक्विड, दिस इज द डेंसेस्ट लिक्विड। मरकरी एक मेटल होता है जो लिक्विड के स्टेट में होता है, द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट दैट इज मरकरी। इसका देखो डेंसिटी बहुत ज़्यादा, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और मरकरी का डेंसिटी आप देख पा रहे हो, मरकरी का डेंसिटी है 13600 kg पर मीटर क्यूब, मतलब ये वाटर से कितना गुना ज़्यादा है, 13.6 गुना ज़्यादा है ये वाटर से, है ना, वाटर से मरकरी का डेंसिटी 13.6 गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेंसेस्ट लिक्विड है ये, डेंसेस्ट लिक्विड है ये। अच्छा हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, हम यहाँ पे प्रेशर निकाल रहे थे, सबसे पहले तो प्रेशर इस कॉलम के कारण होगा, प्रेशर ड्यू टू अ कॉलम कितना होता है, ये होता है रो जी एच, ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम ये होता है रो जी एच, बट ऊपर में यहाँ पे जो है ये भी तो कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना है जीरो। तो जब हम देखते हैं बाहर से कुछ प्रेशर लग रहा है और कॉलम के कारण जो प्रेशर है, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर कुछ प्रेशर लग रहा होता तो हम इस प्रेशर को ऐड कर देते इस मरकरी कॉलम के प्रेशर के साथ, तब जाकर टोटल प्रेशर हमें निकलता। मान लो यहाँ से प्रेशर आ रहा है, प्रेशर यहाँ पे लग रहा है 1 pascal का और इसके कारण प्रेशर लग रहा है 3 pascal का 3 pascal का, तो टोटल प्रेशर यहाँ पे एक तो मरकरी कॉलम के कारण प्रेशर और दूसरा इस वैक्यूम इस रीजन के कारण प्रेशर, बट यहाँ पे कोई प्रेशर है ही नहीं तो यहाँ पे प्रेशर जीरो हो गया, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर एट टू, ये प्रेशर एट टू हो जाएगा जीरो प्लस रो दैट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द मरकरी विच इज़ इक्वल टू पी वन। हमको मेजर करना है पी वन कितना है, मतलब ये जो प्रेशर है यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना है, और पी वन किसके बराबर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो फाइनली अगर हम पी वन निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो देखो जब हम ये सब काम करते हैं ना, तो जीरो को हटा दो, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13600 into acceleration due to gravity is 10, और जब हम ये मेज़र करते हैं हाइट, इसको सी लेवल पे ले जा करके हम जब हाइट मेज़र करते हैं स्केल लगाकर, तो हाइट हमें दिखता है 76 cm, ये हाइट निकल कर आता है 76 cm। कैसे आया ये हाइट, इसे मेज़र किया गया यूजिंग अ स्केल, एक स्केल ले लिया गया रीडिंग मेज़र करने के लिए, और मेज़र करके यहाँ पे आया कि ये जो हाइट है ये 76 cm का हाइट आ रहा है, कहाँ पे, सी लेवल पे आ रहा है, तो हम इसे 76 cm ऑफ एच जी के हाइट पे रख देंगे वहाँ पे, तो पी वन हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 13600 × 10 × ये सेंटीमीटर में, इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 76/100 इज इक्वल टू पी वन। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो लगभग वैल्यू आएगा 1.01 × 10⁵ pascal दैट इज इक्वल टू पी वन। ठीक है, देखो ये यूनिट आपको लिखाया गया था लास्ट क्लास में, कराया गया था ना, तो ये जो पी वन का प्रेशर आ रहा है ये आ रहा है यहाँ पे, ये जो पी वन प्रेशर आ रहा है ये आ रहा है 1.01 × 10⁵ pascal, और ये देखो P1 है कितना, P1 है एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो हमें पता चल गया ना एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है, तो ये हो गया इतना पास्कल के बराबर। दैट मीन्स एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है 1.01 × 10⁵ pascal एट सी लेवल
लेवल, और इसी यूनिट को कहा गया है 1 ATM। इसीलिए मैंने आपको लिखाया था कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 × 10⁻¹⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल होता है 1.01 × 10⁻¹⁵ पास्कल के बराबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कहाँ से यूनिट आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। अच्छा, एक और बात, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं तो हम उसे किसी दूसरे यूनिट में मेज़र करते हैं, हम मेज़र करते हैं बार में। बार में फर्स्ट लेक्चर देख लेना, मैंने आपको बताया था 1 bar में कितना पास्कल होता है, क्या यूनिट होता है, इसका कन्वर्जन मैंने आपको कराया फर्स्ट लेक्चर में। वो सारा का सारा यूनिट आपको मेज़र करना, याद करना ज़रूरी है, लर्न करना ज़रूरी है। तो इतना कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बात समझ आ गई ना क्या करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है यहाँ, पहले ये कॉपी कर लो, पहले ये कॉपी कर लो फिर आगे बताते हैं। चलो कर लियो कॉपी, फिर से एक बार समझ लो, एक बार रिवाइज करा देते हैं प्रॉपरली इसको। बैरोमीटर आपको समझना है, बैरोमीटर समझने से क्या होगा, इसमें जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे या फिर ये जो यूनिट्स कन्वर्जन है ये आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। देखो हमने किया क्या, हम चाहते थे 1 ATM को डिफाइन करना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है हम वो डिफाइन करना चाहते थे, या 1 ATM प्रेशर को हम डिफाइन करना चाहते थे। तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, एक एपरेटस, एक सेटअप बनाया गया जिसके कारण हम, जिसको ले करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। अब मेज़र कैसे करेंगे, तो टॉर्सिली ने क्या किया, टॉर्सिली ने एक सेटअप बनाया, एक एपरेटस बनाया जिसमें उन्होंने एक बड़ा सा टब लिया, ये टब है, उसमें मरकरी डाला, मरकरी डालने के बाद एक ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब, उसको इन्वर्ट करके इसके अंदर डाला, उसके बाद देखा, पहले इन्वर्ट करके अंडर डाल करके ये सब कुछ जो भी मरकरी था इसके अंदर गया। रीजन ये था, कारण ये था, ये चाहते थे यहां पे कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स ना रहे जिसके कारण कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना बने इस कॉलम में, इस कॉलम में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर वो नहीं चाहते थे, वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना चाहते थे। तो उससे हुआ क्या कि जितना भी मरकरी था सब अंदर चला गया, जिसके कारण ये पूरा का पूरा मरकरी, जिस पूरा का पूरा ग्लास मरकरी से भर गया। अब इसके कारण मरकरी जब भर गया तो मरकरी के कारण यहां पे कोई भी ओपन स्पेस नहीं रहा, कोई भी किसी भी स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो वो हम एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं चाहते थे, वो सब निकल गया, सारा का सारा एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल सारा निकल गया। अब इन्होंने इन्वर्ट करके डाला, थंब से इस तरह से बंद किया इसका मुंह, उसके बाद अंदर डाल करके सीधा परपेंडिकुलर थंब हटाया, तो उन्होंने देखा कि जो मरकरी यहां तक भरा हुआ था वो मरकरी का लेवल ड्रॉप हो गया। अब लेवल ड्रॉप होने का रीज़न क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर वेरिएशन हुआ होगा तभी जाकर के ये मरकरी का लेवल ड्रॉप हुआ है। तो उन्होंने ये देखा कि बाहर से कुछ प्रेशर लग रहा होगा, ये जो खुला हुआ स्पेस है यहाँ पे ट्यूब को छोड़ करके, ये जो बाहर का स्पेस है यहाँ से कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा जिसके कारण ये मरकरी का लेवल ड्रॉप हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इस लेवल को, सी लेवल पर जा करके इस हाइट को उन्होंने मेज़र कर लिया। उनको पता चला कि ये जो हाइट है ये 76 cm है। अब वो क्या, अब उन्होंने क्या किया कि ये जो लेवल है ये ट्यूब के अंदर इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे और इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे, कॉन्सेप्ट हमें पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड रेस्ट पर है और सेम फ्लूइड है, सेम लिक्विड है, तो लेवल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर तो सेम होता है, तो प्रेशर वन पे वही होगा जो सेकंड पे प्रेशर होगा। अब सेकंड पे प्रेशर निकालना तो हम जानते हैं, इस कॉलम के कारण जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर सेकंड पे होगा, और इस कॉलम पे कितना प्रेशर है, रो जी एच, ठीक है? अगर बाहर से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगता तो हम उसे ऐड कर देते, बट बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है जीरो, तो जीरो प्लस रो जी एच। अब रो जी एच का मतलब क्या है, रो जी एच का मतलब है कि ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ मरकरी लेना है हमें, क्योंकि हम मरकरी कॉलम के कारण प्रेशर निकाल रहे हैं, प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम, तो मरकरी का डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ दी मरकरी कॉलम। तो इसे निकालेंगे तो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.01 × 10⁵ पास्कल। दैट मीन्स यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है, यहाँ से ये बात भी क्लियर हो रही है कि जितना हाइट मरकरी का फॉल होगा या राइज होगा वो बता देगा आपको कि वहाँ पे प्रेशर कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हाइट आ रहा था ये हाइट था 76 cm ऑफ HG। अब यहाँ पे देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है, 76 cm ऑफ HG का ये मतलब नहीं है कि प्रेशर 76 cm है। प्रेशर को हम मेज़र करते हैं पास्कल में, ठीक है, ATM में, ठीक है, बार में, टॉर में, इसे हम मेज़र करते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। ये 76 cm, सेंटीमीटर इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जब हम ये लिखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेशर 76 cm है, इसका ये मतलब है कि जब हम मरकरी को यूज़ कर रहे हैं तो इस हाइट को लेकर के, जैसे मान लो कि फाइंड द प्रेशर ऑफ 76 cm ऑफ HG, तो हम क्या कर रहे थे, हम यूज़ कर रहे थे रो जी
एच रो के प्लेस पे मरकरी का डेंसिटी रख रहे थे 13600 × 10 × इस हाइट के प्लेस पे हमें ये हाइट रखना होगा 76 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये आ गया इतना प्रेशर। मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द प्रेशर ड्यू टू, मान लो इस मरकरी के प्लेस पे कोई दूसरा लिक्विड दे दे, ठीक है, मान लो कोई पागल इंसान है मरकरी के प्लेस पे वाटर रख कर यूज कर रहा है, वाटर को डाल करके वो प्रेशर निकाल रहा है तो क्या होगा। तो मान लो उन्होंने देखा कि 100 meter of water pressure is 100 meter of water, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जितना water rise या fall किया है उसके कारण हमें pressure निकालना है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि pressure है 100 meter, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे कैसे निकालेंगे, rho g h, ठीक है, rho के place पे क्या use करेंगे, हम वाटर यूज कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करेंगे और हाइट ऑफ वाटर को यहाँ पे डाल देंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर सबको पता है ना, 1000 × 1000 kg meter cube, याद रखना इसे, दिस इज 10 और हाइट ऑफ द वाटर कितना है 100 मीटर है, तो 100 मीटर यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से निकल कर आएगा आपका प्रेशर। समझ आ रही है बात। मान लो अल्कोहल यूज कर रहे हो तुम, अल्कोहल का डेंसिटी होता है 800 kg meter per cube, तो वहां पे अगर अल्कोहल का हाइट गिवन है कि 4 centimeter of alcohol OH, बॉन्ड OH को कहलाता है अल्कोहल, 4 centimeter of alcohol, तो क्या करेंगे, तो हम हाइट को मेजर करेंगे, हाइट लिखेंगे यहाँ पे इस प्लेस पे रो जी एच में, एच के प्लेस पे 4 centimeter पुट करेंगे, यूनिट्स वगैरह देख लेंगे, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल रखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रखेंगे, तब जाकर हम निकालेंगे इसका कंप्लीट प्रेशर। तो आई होप अब समझ आ गया होगा, 76 centimeter of HG या 760 millimeter of HG ये वैल्यू प्रेशर नहीं है, 76 मिलीमीटर प्रेशर नहीं है, HG का इतना हाइट के प्लेस पे, इस हाइट के प्लेस पे HG का ये हाइट आपको रखना है, रो जी एच से मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर आपका प्रेशर निकलेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि हम मरकरी ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरे लिक्विड को यूज़ करके क्यों प्रेशर मेजर नहीं करते हैं। तो देखो मरकरी यूज करने का रीजन क्या है, कि पहला रीजन तो ये है कि मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, फर्स्ट रीजन मरकरी का डेंसिटी, ये सब आप पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ, मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कितना है, क्वेश्चन आता है व्हाई मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर, और कौन से बैरोमीटर का बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टॉर्सेली बैरोमीटर का। तो आंसर में आप लिखोगे फर्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी हाई रहने से क्या होगा, लो डेंसिटी क्यों नहीं रख सकते हम, जैसे वाटर यूज करके हम बैरोमीटर क्यों नहीं बना सकते, क्या प्रॉब्लम आएगा। देखो वाटर का डेंसिटी बहुत कम है, बहुत हल्का है, जिसके कारण वाटर में जो हाइट अचीव होगा ये बहुत ज़्यादा हाइट अचीव होगा, बहुत ज़्यादा। एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं आपको, जैसे देखो मरकरी का डेंसिटी हाई था ना, तो इसे दिस विल अटेन लेस हाइट। अब तुम खुद से सोचो, लेस हाइट को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, या फिर अगर हम एपरेटस बना रहे हैं तो उस एपरेटस का, मान लो ये टब है मेरा और यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्यूब है, अगर इसका हाइट कम है तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो गया, अब हम इसे कहीं भी उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा लिक्विड हम डाल लें जिसके कारण जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो, जिसके कारण जो वाटर प्रेशर के कारण जो वाटर ट्रेवल करेगा, या जो वाटर या फिर जो लिक्विड हम जो फ्लूड ले रहे हैं वो फ्लूड अगर राइज कर गया बहुत ज़्यादा हाइट ऊपर, तो ये तो हाइट हमें बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाइट लेना पड़ेगा, जिसके कारण इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना मुश्किल हो जाएगा और ये एपरेटस बल्की हो जाएगा। हम नहीं चाहते वो, हम चाहते हैं एपरेटस हमारा सिंपल हो, हमारा डिवाइस सिंपल हो, जिसे एक जगह से दूसरे जगह आसानी के साथ हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर पाएं। बट अगर दूसरा लिक्विड लेते हैं तो उसका डेंसिटी जो होगा वो डेंसिटी, देखो ये क्या है ना, ये मरकरी बहुत ज्यादा डेंसिटी का, मरकरी का मटेरियल, ये मरकरी बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है इस मटेरियल का, बाकी जितने भी हैं फ्लूइड्स उनका डेंसिटी इससे कम होता है। तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना वो भारी होगा, मतलब उतना हाइट उसका कम होगा,
देखो यहाँ पे हाइट बहुत कम आ रहा था, 76 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर भी नहीं है ये, 1 मीटर भी नहीं है ये, तो ये जो हाइट है ये बहुत कम आ रहा है, बहुत कम हाइट आ रहा है। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना कम हाइट, जितना कम डेंसिटी उतना ज़्यादा हाइट लेना पड़ेगा। जैसे वाटर, वाटर का डेंसिटी क्या है, वाटर का डेंसिटी है 1000। अब वाटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस मरकरी के प्लेस पे अगर हम वाटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जैसे देखो 1 atm प्रेशर होता है 1.01 × 10⁵ pascal होता है ना, हम वाटर का डेंसिटी रखते हैं रो जी एच, हम निकाल लेते हैं कितना हाइट रिक्वायर्ड होगा अगर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं तो, 1 atm प्रेशर ये होता है। 1 atm प्रेशर को मेज़र करने के लिए वाटर का हाइट कितना होगा वो हम मेज़र कर रहे हैं, तो 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू दिस मच पास्कल, दिस मच पास्कल्स, तो 1.01 × 10⁵ इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ × 10 × हाइट ऑफ द वाटर। ज़रा देखो यहाँ पे 1.01 × 10⁵ इज इक्वल टू 10⁴ इंटू हाइट ऑफ़ दी वाटर। यहाँ से देखो 4 कट जाएगा, 5 4 और 5 कट जाएगा, 10 बच जाएगा, ये पूरा का पूरा कट गया। दैट मीन्स हाइट ऑफ़ दी वाटर रिक्वायर्ड इज 1.01 × 10, दैट मीन्स 10.1 meter। बहुत ज़्यादा हाइट चाहिए वाटर के लिए अगर हम वाटर यूज़ करते हैं इसके अंदर, इसीलिए वाटर को यूज़ नहीं किया जाता है। 1 meter कितना होता है, मान लो ये हाथ तुम्हारा, मान लो इससे थोड़ा ज़्यादा, ये है 1 meter, इसका कितना चाहिए, 10 गुना चाहिए, 10 meter का चाहिए, 10.1, इसका 10 गुना ज़्यादा, कितना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उतना बड़ा तुम हाइट ले लोगे और तुम डिवाइस बनाओगे तुम कहाँ ले पाओगे, बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा, तो वो ड्यूरेबल नहीं है, इसीलिए हम उसको यूज़ नहीं करते, वाटर यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बात आपको रखना है, याद रखना है, डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा हाइट अटेन उतना कम होगा, ठीक है, अटेन लेस हाइट। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मरकरी के साथ क्या बेनिफिट है, क्या प्लस पॉइंट है, तो दूसरा तो प्लस पॉइंट ये है कि जो मरकरी होता है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मतलब अगर तुम वाटर ले लो एक ग्लास ट्यूब में, क्लियर ग्लास ट्यूब में वाटर भरो और दूर से देखो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा वाटर खाली, ये जो ट्यूब है ये खाली है या वाटर से भरा है, तुम इसको फ़र्क नहीं पहचान पाओगे अगर दूर से देखोगे तो। पास आकर के बहुत क्लोज लाकर देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि हाँ ये है, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इससे, बट क्योंकि मरकरी शाइनी है, चमकता है मरकरी, और क्योंकि मेटल है तो शाइनी नेचर तो होगा ही उसका, और उसमें जो वो ओपेक होता है, ओके ओपेक भी होता है और शाइनी भी होता है, जिसके कारण हम ओपेक होने के कारण लाइट आर पार जाएगा नहीं, तो हमें इजीली दिखाई पड़ जाएगा कि उसका हाइट क्या अटेन हो रहा है, जहाँ पे हम मेज़र कर रहे थे ना स्केल लगाकर हाइट, तो मान लो मरकरी का हाइट यहाँ तक गया, तो हम इजीली देख पाएंगे, मार्क कर पाएंगे कि इस हाइट तक मरकरी गया तो उस पोजिशन पर, उस प्लेस पर कितना प्रेशर बनेगा वो हम देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट होगा कि ये है, होता है शाइनी एंड ओपेक। थर्ड शाइनी एंड ओपेक, थर्ड बेनिफिट क्या है मरकरी यूज़ करने से। यहाँ पे देखो ये जो खाली जगह है, यहाँ पे ये जो खाली जगह है, आपको पता है फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे ही वेपराइज होना शुरू हो जाता है। जैसे तुम्हारे पास गीला कपड़ा है ना, क्या गीला कपड़ा सिर्फ धूप में ही सूखता है? आंसर है नहीं, छाँव में भी सूखता है, जहाँ शेडो है वहाँ पे भी सूखता है गीला कपड़ा, धीरे धीरे सूखेगा, ठीक है, रेट ऑफ जिस वेपराइजेशन इंक्रीज़ हो जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वेपराइजेशन का रेट कम होता है, लेकिन वेपराइजेशन होता है। तो अगर यहाँ पे मरकरी ले लें, मरकरी की प्लेस पे हम वाटर ले लें, वाटर का वेपराइजेशन बहुत जल्दी होगा मरकरी के कंपैरिजन में। मरकरी क्या है, मरकरी मेटल है, उसका लिक्विड का वेपराइजिंग प्रेशर या फिर वेपराइजिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वाटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखो हम क्या, यहाँ पे क्या ले रहे थे, यहाँ पे हम चाहते थे कि किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, तब जाकर हम एग्जैक्ट प्रेशर यहाँ पे बना पाएंगे सिर्फ और सिर्फ कॉलम के कारण, और जिसको इक्वेट कर पाएंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो यहाँ पे अगर कुछ प्रेशर आने लगा, प्रेशर आता है गैस के मॉलिक्यूल्स के कारण भी, तो अगर यहाँ पे वाटर होता, अगर हम यहाँ पे वाटर रखते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपराइज करते हैं, अब इसके वेपर्स जब वेपराइज करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, तो कंटेनर को हिट करते ना, कंटेनर को हिट करते तो वो प्रेशर एग्जर्ट करते कंटेनर पे, जिसके कारण एक एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाता है यहाँ पे। तो ये सब हम नहीं चाहते हैं, ये सब हम चाहते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक डेंस लिक्विड यूज़ करेंगे, इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा हो कि उसको वेपराइज करना ही मुश्किल हो जाए। तो मरकरी बहुत ज़्यादा डेंस है, गाढ़ा लिक्विड होता है, तो इसका वेपराइजेशन पॉसिबल नहीं है इजीली, उसे बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तब जाकर वो वेपराइज हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो वेपर बनेगा नहीं इस केस में, मरकरी डू नॉट वेपराइजेस, तो यहाँ पे लिख लेना डज नॉट
वेपराइजेस, वाटर क्या, वाटर वाटर लेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपराइज कर जाएगा इजीली, रूम टेम्परेचर भी वेपराइज कर जाएगा। अरे रूम टेम्परेचर होता कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस या मान लो 20, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रूम टेम्परेचर, जैसे इस रूम में जो टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर मिलेगा तो वेपराइज करने लगेगा, तो फिर क्या फ़ायदा फिर। तो इस कारण से हम मरकरी को यूज़ करते हैं, वाटर क्यों यूज़ नहीं करते, पहला पॉइंट तो हो जाएगा कि वाटर का डेंसिटी बहुत कम है मरकरी के कंपैरिजन में, तो जो हाइट अटेन करेगा वो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगा, जिसके कारण वो पॉसिबल नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा अपैरेटस। दूसरा चीज़, वाटर इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, हमें पता नहीं चलेगा कितना हाइट तक राइज किया, कितना हाइट तक वो फॉल किया। तीसरा चीज़ कि वाटर कैन ईजिली वेपराइज, इसीलिए हम ये सब चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, पहले ये कॉपी कर लो फिर एक क्वेश्चन कराते हैं। रब करें, चलिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है आपको। बैरोमीटर ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यस इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि बैरोमीटर आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। मैंने जनरली ऐसे ही देखा है स्कूल्स एंड ऑल में, बहुत ज़्यादा टीचर्स इसको डिटेल में पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बच्चे तो खुद से समझ जाएंगे, बट प्रॉब्लम होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हर एक टॉपिक को डिस्कस करता हूँ ताकि आपको फील हो कि ये सब चीज़ क्या है, प्रॉपर आपको फीलिंग आए कि किस तरह से वर्क करता है, क्या वर्किंग है, क्या क्या यूज़ किया गया, क्या नहीं है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को करके, एक ही क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से करना है इसे। मैंने एक एपरेटस लिया है और हमें इस एपरेटस से प्रेशर मेज़र करना है, इस एपरेटस के मदद से, हेल्प से। अब किसी ने क्या किया कि ये जो लिया है मरकरी बैरोमीटर, जिन्होंने लिया है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये जो ट्यूब है इसे सीधा ना रख करके इन्होंने ट्यूब को इस तरह से थोड़ा बेंड कर दिया, और इन्होंने कहा कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब इस लेवल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो मरकरी है इस ट्यूब में कुछ इतना राइज हुआ है या फॉल हुआ है, जो भी है, इस हाइट को इन्होंने बता दिया, इन्होंने बताया कि 200 सेंटीमीटर है। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे देखने दो लैंग्वेज क्वेश्चन का क्या है एक्चुअली में। यस, 200 मीटर है, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड यूजिंग दिस बैरोमीटर। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो। प्रेशर हमें बताना है बैरोमीटर, और ये मरकरी है, ठीक है, दिस इज मरकरी, HG मरकरी बैरोमीटर है ये। चलो देखो, आपको पता है ना डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होगा, 13,600 kg पर मीटर क्यूब, यह है मरकरी का डेंसिटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लो। क्लियर है? हमें निकालना है प्रेशर। मैंने आपको बताया अभी प्रेशर किस तरह हम निकालते हैं। प्रेशर निकालने के लिए हम मरकरी का कॉलम देख लेंगे किस हाइट तक वो जा रहा है। तो यहाँ पे हम प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर ड्यू टू दिस मरकरी कॉलम इज इक्वल टू रो ऑफ मरकरी जी एंड हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। ओके, नाउ प्रेशर डेंसिटी इज 13,600 इंटू ग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, मरकरी कितना राइज या फॉल हुआ है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर्स, तो हम इसे 200 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये केजी मीटर में, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो कट जाएगा, तो वैल्यू आएगा कुछ 13,600 इंटू 10 इंटू 2, कैलकुलेट करके दिस मच पास्कल, यही होगा। जी नहीं, ये तरीका गलत है निकालने का, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। जनरली तुम यही करोगे, सिर्फ अगर बैरोमीटर पढ़ाकर मैं यहाँ से चला जाऊँ, तुमको अगर इस तरह क्वेश्चन मिले तो जनरली बहुत सारे 99% बच्चे हैं जो इस तरह से करेंगे, ऐसे हमें नहीं करना है। यहाँ पे समझना, ये जो हाइट लिया गया है ना, ये रो जी एच में, रो जी एच, ये जो हाइट है, दिस इज वर्टिकल हाइट, दिस इज वर्टिकल हाइट। एक एक चीज़ों को डिटेल में समझो, एक एक चीज़ को, ये वर्टिकल हाइट है, सीधा हाइट। देखो मैंने आपको बताया था प्रेशर शेप, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको समझाया था
प्रेशर शेप पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का शेप क्या है उस पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता। और ये हाइट कौन सा होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए। शेप कुछ भी शेप ले लो, क्वेश्चन भी मैंने कराया आपको फर्स्ट लेक्चर में, तो कुछ भी शेप ले लो, शेप पे डिपेंड ही नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? हाइट क्या है उसका, वर्टिकल हाइट क्या है, इसको करने का तरीका क्या है। अब समझो, देखो ज़रा यहाँ से देखो, अगर हम इसे देखें इस तरह से, ये हाइट देख रहे हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो हाइट हमें गिवन है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। ये ट्यूब जो है वो कुछ इस तरह से इन्वर्टेड है, मान लो ट्यूब में यहीं तक सिर्फ मरकरी यहाँ तक है, और ये हाइट हमें गिवन, ये जो मरकरी, जो ये जो हाइट है मरकरी का हॉरिजॉन्टल या बोलेंगे इंक्लाइन हाइट जो है वो है 200 सेंटीमीटर। ओके, ये एंगल गिवन है 60 डिग्रीज। आपको क्या चाहिए? आपको ये हाइट चाहिए, ये पर्टिकुलर हाइट चाहिए आपको। ये तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू क्या है, ये पार्ट आपको पता है। देखो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये है 60 डिग्री। आपको ये हाइट चाहिए, दिस इज एक्स, वर्टिकल हाइट फ्रॉम द सरफेस, जहाँ तक ये लिक्विड राइज किया है या फिर फॉल किया है। ये मान लो लिक्विड यहाँ तक राइज या फॉल कर रहा है, तो यहाँ तक आपको वर्टिकल हाइट चाहिए। निकाल सकते हैं ये वर्टिकल हाइट, ये एक्स निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये 60, आपको पता है साइन 60 कितना होता है? साइन 60, अगर आपको नहीं पता साइन थीटा क्या होता है तो यहाँ पे सीख लो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी मैथमेटिक्स का पढ़ा देता हूँ कि आपको आसानी हो। साइन थीटा ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा ये हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर, बेस, हाइट क्या क्या ये सब समझो। यहाँ पे अगर ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं तो थीटा के ऑपोजिट वाले जो साइड होगा, थीटा का ऑपोजिट जो साइड होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री, 90 के ऑपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो बन जाता है बेस। तो इसी तरह यहाँ देखो साइन 60 का वैल्यू सबको पता है ना, √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे क्या है, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? थीटा इज 60 डिग्री, थीटा के ऑपोजिट जो है वो है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा है एक्स। और हाइट कितना है, सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेनियस क्या है? 90 के ऑपोजिट वाला ये है 90 के ऑपोजिट ये 200 सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर्स में ही निकाल लो, 2 1 2 0 0, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया 100√3 सेंटीमीटर्स, 100√3 सेंटीमीटर्स। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 100√3/100 meters, डिवाइड कर दो 100 से, तो एक्स का वैल्यू है √3 meters। रूट थ्री का वैल्यू सबको याद है? रूट थ्री का वैल्यू याद है आपको? नहीं याद है तो देखो √2 और √3 का वैल्यू ये याद रखना है। √2 का वैल्यू 1.414, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए √3 का वैल्यू 1.732, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। अब √3 का वैल्यू हम राउंड ऑफ करके 1.73 ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.73 ले लो, 1.73 ये वैल्यू लो, और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। रब कर रहे हैं इसे, है ना, यहाँ पे रब कर रहे हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो x जो आया ये आया 1.73 meters, मतलब मरकरी हॉरिजॉन्टल लेवल से इस लेवल से कितना राइज किया या फॉल किया, 1.73 meters। तो इसे लिखेंगे ρgh, रो है 1360 × 10 × 1.73, कैलकुलेट करो आंसर आएगा दिस मच पास्कल, कैलकुलेट करके निकाल लो। बोलो समझ आ गया क्वेश्चन? समझ आ गया ना, इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत सारा टॉपिक्स तुम्हारा क्लियर होता जाएगा। थ्योरी पढ़ करके तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो NTSC ओलंपियड, कितना भी थ्योरी रट लो पढ़ लो नहीं होगा। देखो थ्योरी अगर पढ़ा कर हम यहाँ चले जाते तो ये क्वेश्चन तुम्हें आता एग्जामिनेशन में, तो क्वेश्चन का गलत अप्रोच तुम लगा लेते, और अगर ऑप्शन में इसका आंसर ये रहता और ये भी रहता तो तुम ये ऑप्शन टिक करके आते, ये ऑप्शन तो टिक ही नहीं करते, तुम निकालते गलत तरीके से, ये आंसर निकलता। तो इस तरह से सॉल्व करना है, क्लियर? तो ये हो गया हमारा बैरोमीटर ख़त्म, ठीक है, रब करें। अब हम करते हैं YouTube प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है YouTube प्रॉब्लम, देखने में लगता है बहुत टफ बट बहुत सिंपल है। इसको समझो किस तरह से इसे करना है। YouTube में हम एक इन्वर्टेड एक यू शेप का एक ट्यूब लेंगे और उसमें हम दो अलग अलग लिक्विड्स भरेंगे। तुम एक लिक्विड भी भर सकते हो, दो अलग अलग लिक्विड भर सकते हो, तीन अलग अलग लिक्विड भी भर सकते हो। अगर एक समझ जाओगे तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। तो हम दो अलग अलग लिक्विड्स का क्वेश्चन कराएंगे आपको, दो अलग अलग लिक्विड्स। यूट्यूब प्रॉब्लम्स क्या है देखो, यूट्यूब प्रॉब्लम्स, चांसेस बहुत कम है यूट्यूब प्रॉब्लम्स के आने का, बट फिर भी क्योंकि सिलेबस में जिस तरह से क्वेश्चंस मैंने देखा है तो कई बार दे देता है, और ये इस तरह का टॉपिक ही पढ़ने से आप
का जो क्वालिफाइंग नेचर होता है उसका चांसेस बढ़ जाता है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों ने कॉमन टॉपिक पढ़ा हुआ है बैरोमीटर का, बट उनमें से दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब प्रॉब्लम भी पढ़ा हुआ है और किसी साल क्वेश्चन में बैरोमीटर छोड़ करके यूट्यूब दे दिया, यूट्यूब प्रॉब्लम दे दिया, तो क्या होगा? अब वो जो 48 बच्चे थे वो तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ दो ही बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे यूट्यूब प्रॉब्लम्स को। अब वहाँ से तुम्हारा मेरिट डिसाइड होगा, वही दो फर्क जो बनाएगा ना वो मेरिट डिसाइड कर देगा तुम्हारा, समझ आ रहा? तो इसीलिए जो टॉपिक्स, कहीं भी किसी टॉपिक को देखो तुम, तो उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ा करो। और एक और मैं बात बता दूं, ये जो यूट्यूब प्रॉब्लम्स हम करेंगे फ्लूइड्स एट रेस्ट पे करने वाले हैं हम, एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स या हाइड्रोडायनामिक्स का टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, टच भी नहीं करना है आपको 9th और 10th लेवल पे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टेटिक्स का टॉपिक आपको पढ़ना है। हाइड्रोस्टेटिक्स में फ्लूइड एट रेस्ट में ये प्रॉब्लम्स आता है, आपको क्वेश्चंस मिलेगा यूट्यूब प्रॉब्लम्स का। अब इसमें करना क्या है ये देखो, यूट्यूब क्या होता है, एक इस तरह से यू शेप का ट्यूब होता है और इस ट्यूब में एग्जामिनर को जो मन करेगा, जिस तरह का मन करेगा उस तरह का लिक्विड डाल कर देगा तुम्हें, सिंगल लिक्विड भी दे सकता है, डबल लिक्विड भी दे सकता है। हम डबल लिक्विड वाले क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि सिंगल लिक्विड वाला क्वेश्चन तुम डबल लिक्विड पढ़ करके समझ जाओगे। जैसे ये देखो, ये यूट्यूब है, दिस इज यूट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब, देखो यू शेप का है ना ये, यहां पे दो अलग अलग लिक्विड को मिक्स किया गया और यहां पे एक सेपरेटिंग मेम्ब्रेन बना दिया गया। ये एक मेम्ब्रेन है जो इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करेगा। जैसे इस मेम्ब्रेन के इधर कोई दूसरा लिक्विड है, अभी इनिशियली हम कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर वगैरह मान लेना कि यहाँ पे कोई प्रेशर लग नहीं रहा, कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा इनिशियली, यहाँ पे एक तरह का लिक्विड, ठीक, और यहाँ पे कुछ दूसरे तरह का लिक्विड है। अभी दोनों को सेम लेवल पर रखते हैं क्योंकि अभी प्रेशर नहीं लग रहा है, कोई भी प्रेशर अभी इसके ऊपर नहीं लग रहा है, प्रेशर लगाएंगे फिर देखना क्या होगा। इसका डेंसिटी वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। ये बीच में ये जो है ना, ये है मेम्ब्रेन, सेपरेटिंग मेम्ब्रेन, ये सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है, दोनों फ्लूइड्स को ये सेपरेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है इस फ्लूइड का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, मान लो ये डेंसिटी वन, फ्लूइड वन मान लो इसे, इसका डेंसिटी है 2 kg/m³, और इस फ्लूइड का डेंसिटी मान लो डेंसिटी 2 1 kg/m³, ये है डेंसिटी। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, अभी इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, नो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है। सेकंड केस सुनो, अगेन अब यहाँ पे प्रेशर लगेगा, अब हम इसको इस एक ऐसे जगह पे ले गए जहाँ पे प्रेशर एक्ट करना शुरू होगा। इमेजिन करो, कौन सा फ्लूइड भारी है और कौन सा फ्लूइड हल्का है, ज़रा बताओ। अब यहाँ पे डेंसिटी देख करके आप समझ सकते हो कि कौन सा फ्लूइड भारी है और कौन सा फ्लूइड हल्का है। जिस फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा है वो भारी है और जिस ट्यूब का डेंसिटी कम है वो है हल्का, ठीक। जिस फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा है वो भारी फ्लूइड है और जिस फ्लूइड का डेंसिटी कम है वो हल्का फ्लूइड है। तो ये हो गया लाइटर फ्लूइड और ये हो गया हेवी फ्लूइड। अब होगा क्या, जब प्रेशर एग्जर्ट करेगा, प्रेशर लगना जब शुरू होगा, यहाँ से ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना शुरू हुआ, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पी नॉट। भारी फ्लूइड कौन है, ये भारी है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब ये फ्लूइड अपने इनिशियल लेवल से, इस फ्लूइड का जो इनिशियल लेवल था, इनिशियल लेवल हम मार्क कर रहे हैं फ्लूइड का, ये है इनिशियल लेवल, मार्क कर देते हैं, समझ आ जाएगा आपको क्लियरली। ये है इनिशियल लेवल फ्लूइड का, देखो ये था इनिशियल लेवल फ्लूइड का, इनिशियल लेवल था, इस हाइट दे देते हैं इसका, मान लो ये हाइट है 9 सेंटीमीटर्स, ये भी सेम हाइट पे है 9 मीटर्स, ये है 9 मीटर्स का हाइट, यस 9 मीटर्स का हाइट। अब देखो यहाँ से प्रेशर लगा तो ये फ्लूइड अब धीरे धीरे यहाँ से अपनी इनिशियल हाइट से नीचे चला आएगा क्योंकि ये भारी फ्लूइड है। फ्लूइड क्या हुआ, ये बहने लगा। अब ये फ्लूइड मान लो यहाँ तक आकर बहने लगा, शिफ्ट कर गया, ठीक है,
कहाँ तक शिफ्ट किया, यहाँ तक, इस पोजीशन तक। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन शिफ्ट कर जाएगा उधर, प्रेशर लग रहा है, फ्लूइड चला गया इधर, और यहाँ पे जो फ्लूइड था ये कर जाएगा राइज, ये कर जाएगा राइज। मैं प्रॉपरली फिगर बनाकर समझा रहा हूँ क्योंकि फिगर से ही आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इस तरह का क्वेश्चन तो आप आसानी के साथ डील कर लोगे बनाना। तो फिगर एक बार समझ लो, फिर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत भी नहीं है। देख रहे हो हुआ क्या, जब कोई भी प्रेशर नहीं था तो कोई मूवमेंट हुआ नहीं फ्लूइड का, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने से क्या हुआ, भारी जो फ्लूइड भारी था वो शिफ्ट करने लगा और मेम्ब्रेन भी साथ ही साथ शिफ्ट करके ऊपर चला गया। आपको बताना है ये जो हाइट है, इनिशियल हाइट से, इनिशियल लेवल से ये हाइट कितना है, ये हाइट कितना है। जाहिर सी बात है जितना हाइट का फॉल होगा यहाँ पे उतना ही हाइट का यहाँ गेन होगा, उतना ही हाइट यहाँ पे ऊपर उठेगा, हाँ कि ना। जितना हाइट गिरेगा नीचे उतना ही हाइट वहाँ पे ऊपर उठ जाएगा। तो बचा हुआ हाइट तो बता सकते हो ना तुम, ये बचा हुआ हाइट कितना होगा, पूरा का पूरा हाइट था 9 सेंटीमीटर, बचा हुआ हाइट हो गया 9 माइनस एक्स। यहाँ पे हाइट क्या हो गया, ये था 9 ऑलरेडी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी 9 था, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स, ठीक है। ये था 9 ऑलरेडी, 9 मीटर्स, तो ये हो गया 9 प्लस एक्स मीटर्स, ये हो गया 9 माइनस एक्स मीटर्स। अब आपको बताना ये एक्स का हाइट कितना राइज किया, ये फ्लूइड कितना राइज किया, हमने ले लिया एक्स, कितना राइज किया, जितना फॉल करेगा उतना ही राइज करेगा। फाइंड एक्स, क्वेश्चन में जनरल क्वेश्चन है, फाइंड एक्स, जितना हाइट ये फॉल किया है या जितना हाइट ये राइज किया है। क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो, बन जाएगा क्वेश्चन। चलो ट्राई करें। अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ले लेते हैं। चलो इसे मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट और इसे मान लेते हैं सेकंड पॉइंट। ध्यान से देखो क्या अब फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, प्रेशर वगैरह सब कुछ लगने के बाद क्या अब ये फ्लूइड मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, फ्लूइड आ गया रेस्ट पर, मतलब ये हो गया फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी जब कोई प्रेशर नहीं था तो फ्लूइड इक्विलिब्रियम में था, सही बात है। अब जब प्रेशर लगा तो हम कुछ देर तक इसको ऑब्जर्व कर रहे थे जब तक ये रेस्ट पर नहीं आ जाता है, मूव किया, अब रेस्ट पर आ गया, अब हो गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब दोनों का प्रेशर बैलेंस हो जाएगा तब, ठीक है। देखो ऊपर में दोनों सेम प्रेशर लग रहा था, सिर्फ प्रेशर बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, दैट मीन्स अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ये फ्लूइड आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम में ये फ्लूइड आ गया। अच्छा इसको इस तरह से ना करके यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इस हॉरिजॉन्टल लेवल को लेते हैं, चलो इस हॉरिजॉन्टल लेवल को लेते हैं, इसे मान लेते हैं पॉइंट वन और इसे मान लेते हैं पॉइंट टू। क्या लगता है पॉइंट वन और पॉइंट टू प्रेशर सेम होगा दोनों का? अब कई लोग कहेंगे सर प्रेशर सेम तो नहीं होगा, आपको मैं बोलूँगा कि बिल्कुल सेम होगा क्योंकि दोनों तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। पर आप में से कुछ कहेंगे कि सर तो वो तो तभी होगा ना जब दोनों फ्लूइड सेम होगा, जब फ्लूइड सेम होगा दोनों का डेंसिटी सेम होगा और रेस्ट पर जब होगा तभी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे फ्लूइड का प्रेशर सेम होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट फिर भी हम यहाँ पे अगर ये लिखें प्रेशर एट वन इज इक्वल टू प्रेशर एट टू तो कई लोग यहाँ पे मेरे से डिसएग्री कर जाएंगे कि सर ये गलत है क्योंकि फ्लूइड चेंज हो गया है, तो प्रेशर एट वन विल नॉट बी इक्वल टू प्रेशर एट टू। अब यहाँ पे इसी बात को मैं आपको समझा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम में देखो अभी, ठीक है, अलग अलग फ्लूइड है, ठीक है, आपका वो भी कॉन्सेप्ट सही है कि सेम फ्लूइड होगा तभी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा, वो भी बात सही है, बट अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है, अब देखो यहाँ पे प्रेशर वगैरह सब कुछ लग गया, अगर अभी भी ये दोनों प्रेशर बराबर नहीं होता तो कुछ मूवमेंट होता, लेकिन यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं है, फाइनली ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, मतलब अब ये मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ भी, फ्लूइड का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो ये फ्लूइड और ऊपर जाता, ये नीचे आता, कंटिन्यूसली ये मोशन करता रहता, या तो नीचे ऊपर होता रहता, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, रेस्ट पर आ गया एक फाइनल किसी हाइट पे अटेन करने पे, उसके बाद वो रेस्ट पर आ गया, तो उसके बाद भी प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बराबर रहेगा। ये बात भी नोट करके लिख लो, अगर फ्लूइड दो अलग अलग फ्लूइड है और इक्विलिब्रियम में है
तब भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर ही रहता है। इसको इमेजिन भी कर सकते हो तुम खुद से, सोचो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से लेकर देखो, बराबर ही होगा, ठीक है। उसी तरह जिस तरह सेम फ्लूइड रहने से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर होता है, उसी तरह इक्विलिब्रियम में रहने से भी दो अलग अलग फ्लूइड का सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर होगा। अब यहाँ पर हम इक्वेट कर देते हैं सबको, यहाँ पर देखो किस तरह से इक्वेट करेंगे। प्रेशर एट पॉइंट वन, इस प्रेशर एट पॉइंट वन, ये जो पॉइंट वन है इस पे कितना प्रेशर होगा ये हमें निकालना है। प्रेशर एट पॉइंट वन कितना होगा ये हमें निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हाइट को लेने में, थोड़ा सा चेंजेस कर दो। हाइट को लेने में देखो कॉन्सेप्ट समझ गया ना, अब इसे सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये समझाने के लिए कर रहे थे, सॉल्व किस तरह करेंगे वो समझो। अब ये टू को हटा दो, ठीक है, ये टू को हटा दो, ये मेम्ब्रेन को हटा दो। मान लो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर गया, इधर से इधर हो गया, ये मेम्ब्रेन यहाँ पे आ गया। अभी भी अलग अलग ही फ्लूइड दिखाएंगे तुमको, सेम फ्लूइड में नहीं निकलवाएंगे। ये भी देखो अलग अलग फ्लूइड है, यहाँ पे कुछ दूसरा फ्लूइड है और यहाँ पे कोई और फ्लूइड है, यहाँ पे कोई और फ्लूइड है, ठीक है। अब ये जो हाइट है, ये हाइट इसका हाइट है, देखो ये कंप्लीट हाइट नहीं है, ये हाइट यहाँ तक के लिए है, ये हाइट यहाँ तक के लिए है और ये हाइट यहाँ तक के लिए है। उसी तरह ये जो हाइट है ये कंप्लीट हाइट नहीं है, ये हाइट यहाँ तक के लिए और यहाँ तक के लिए, इनिशियल पोजीशन से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट है। उसी तरह ये हाइट यहाँ तक है और ये हाइट भी यहाँ तक है, ये पार्ट क्लियर। 9-6, अब देखो अब आप बना लोगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे एक लाइन बना लो क्योंकि हमें हाइट लेना था, हमें हाइट यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। इसे पॉइंट वन ले लेंगे और इसे पॉइंट टू ले लेंगे। नाउ प्रेशर एट वन इज इक्वल टू प्रेशर एट टू, कैलकुलेशन के लिए इससे पहले जो काम किया गया था वो भी सही था, बट वहाँ पे हाइट वगैरह का थोड़ा बहुत वैल्यूज़ हमें एक्यूरेट मिल नहीं रहा था, इसीलिए हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में आपको इसी तरह चेंजेस करके मिलेगा। प्रेशर एट वन इज इक्वल टू प्रेशर एट टू, प्रेशर एट वन यहाँ पे देखो रो जी एच वन इज इक्वल टू रो जी एच टू, क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा यहाँ देखो इस पॉइंट पे प्रेशर इस कॉलम के कारण तो लग रहा है, इस लिक्विड कॉलम के कारण तो लग ही रहा है, बट इसके कारण भी तो लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P नॉट प्लस, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं P नॉट प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ से और इस साइड से और उस साइड से P नॉट और P नॉट, क्या ये कैंसिल हो जाएगा? इसीलिए इसको नहीं लिख रहे थे, P नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट लिक्विड इज 1 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, हाइट H1 कितना है? H1 वाटर कॉलम का हाइट देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हाइट कितना, ये पूरा का पूरा 9+6, ये हो जाएगा 9+x इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड क्या है 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 और H2 कितना है? H2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सॉरी ये जो वाटर है, ये लिक्विड जो है फ्लूइड का, फ्लूइड लिक्विड कॉलम का, इस लिक्विड कॉलम का ये है 9-6, तो हो जाएगा 9-x। क्यों? क्योंकि इसी लिक्विड कारण कॉलम के कारण ही तो प्रेशर लग रहा है। अब यहाँ से देखो ये 10 और ये 10 भी गया, ये आ गया 9+6 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 इंटू 9-x, सॉल्व कर सकते हैं इसे, 9+x इज इक्वल टू 18-2x, इधर सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 9-18, या फिर इसे देखो x+2x इज इक्वल टू 18-9, सो 3x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, कितना मीटर ऊपर गया और कितना मीटर नीचे गया, तो x इज इक्वल टू 3 मीटर्स राइज कर जाएगा सेकेंड फ्लूड और फॉल कर जाएगा फर्स्ट फ्लूड। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, टॉपिक्स एंड ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं बायंसी, अप थ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन, ये सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। और अगर नहीं हो पाया तो फ्लोटेशन को आगे ले जाएंगे दूसरे वीडियो में, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो ये सब जिस तरह कंप्लीट हो रहा है उसी तरह से आप पढ़ाई करते रहें और रिविजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।